पिताजी। हाँ। ये सब क्या कर रहे हैं आप? सुमन जी आप ऊपर बैठे तो नहीं, मैंने कोई प्रॉब्लम। पर क्यों, बेड पे क्या हो गया? नहीं कुछ हुआ नहीं, बस बस यू भी मैं नीचे ठीक हूँ। अरे इतना ही ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ, मैं नीचे सो गया, ऊपर सो जाएगी। अरे नहीं नहीं, जूते पड़वाने का प्लान है क्या? मैं क्या कहती हूँ मालिनी को, अगर उनको पता लगा कि आपकी उनकी बेटी को बिस्तर पे नहीं नीचे मैंने सुलवाया तो भाई वो तो घर में लाउड ही नहीं करेंगे मेरे। तो बस ना, मैं ये हैंडल नहीं कर सकता, आप बड़े हैंडल कर सकते। मैं तो ठीक हूँ, उसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। वैसे आइडिया तो लो लीजिए। आइडिया तो बॉस वहाँ की होता है, दीजिए ना प्रवीण जी। आपको मुझ पे पूरा विश्वास है ना? आप जानते ना रूपी जी कि मैं बहुत शरीफ हूँ। और आप ये भी जानते हैं ना कि मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं है। इसीलिए मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर हम दोनों बेड में भी सो जाए ना तो पूरी रात ना आपकी इज्जत खतरे में नहीं रहेगी। आप ये तो नहीं कह रही कि एक जवान लड़का और एक जवान लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? नया जमाने नए ख्याल भी होने चाहिए। इसलिए रुकी जी हम बैठे सो जाते हैं, उसपे विश्वास रखिए। अरे कुछ नहीं होगा, आप ऊपर सोइए। अरे नहीं, मैं आप मेरी बात ही नहीं सुन रही है। अरे आप मेरी बात सुन रहे हैं? मुझे अरे मैंने कहा ना।